अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आज छोटे बच्चों से लेकर नौजवान और ज़्यादा उम्र के लोगों सभी में हेयर फॉल का बहुत ही ज़्यादा मसला पाया जाता है। केमिकल शैम्पू और केमिकल हेयर ट्रीटमेंट्स करवाने से भी बालों का बहुत नुकसान होता है। फिर धूल मिट्टी पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जो बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। टेंशन डिप्रेशन भी हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से लोग जेनेटिकली भी इन इश्यूज़ का शिकार होते हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक शैम्पूस बताऊंगी जो आपके बालों में कबल अस वक्त सफ़ेदी आने, बाल गिरने, गंजापन, सिकरी, खुश्की वगैरह के मसाइल को बहुत फ़ायदा देंगे। इन हेयर शैम्पूस के इस्तेमाल से आपके बाल चमकदार, लंबे, स्याह और घने होंगे और बालों की अफजाइश होना शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको होम्योपैथी के बहुत ही फेमस हेयर शैम्पू बताऊंगी। सबसे पहले आप डॉक्टर विल्मर शॉबे का बीटी आहनी का शैम्पू बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखता है और बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आप डॉक्टर विल्मर शॉबे का बीटी हेयर शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है या आपके बजट के मुताबिक पूरा नहीं उतरता तो फिर आप पाकिस्तानी शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज में आपको BM के आने का शैम्पू मिलेंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा डॉक्टर मसूद के आने का शैम्पू बहुत ही अच्छा है। फिर इसके अलावा मैं आपको खुद भी आने का शैम्पू बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही सस्ता रहेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप घर पर आने का शैम्पू तैयार कर सकते हैं। कोई भी शैम्पू जो आपको बहुत बेहतर लगे, जो आप इस्तेमाल करते हो, उस शैम्पू में 100 ml शैम्पू और 10 ml आर्निका मदर टिंचर मिक्स करके बोतल को बंद करके रख दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल होता हो तो आगे मेरी वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि इल्म की बात को फैलाना चाहिए। इंसानियत की खिदमत का यही तकाजा है। शुक्रिया।